हेलो दोस्तों, डॉलीज किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी यमी मिनी सोया पनीर समोसा की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 1/3 कप ऑयल, आधा गिलास पानी, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच साबुत धनिया। ये 4 उबले हुए 50 ग्राम पनीर, 1 प्याज कटा हुआ और कुछ हरी मिर्चें, 25 ग्राम कॉर्न, 50 ग्राम सोया चंक्स जिनको हमने भिगो लिया है, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और 1 चम्मच चाट मसाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम आटा लगा लेंगे। हमने मैदा को एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। एक चम्मच नमक, 1 मोयन के लिए हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, 1 और धीरे धीरे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसकी मुट्ठी बनाकर देखेंगे। अगर हमारी मुट्ठी बन जाती है तो समझ लीजिए आपका मोयन परफेक्ट है, नहीं तो आप इसमें थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट लगा है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा गूंथ लेंगे। हमें बिल्कुल पूड़ी जैसा आटा चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे और इसको 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। हम एक ग्राइंडर में सौंफ, जीरा और धनिया को डालकर दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, हमें इसे ज्यादा बारीक नहीं करना है, हमें थोड़ा दरदरा ही चाहिए। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा ऑयल डालकर गरम करेंगे। और अब इसमें कटा हुआ प्याज और हरी मिर्ची डाल देंगे और उनको अच्छे से भून लेंगे। हमने प्याज को लगभग 2 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें सौंफ, धनिया और जीरा को ऐड कर देंगे। अब हम ग्राइंडर में कॉर्न, सोया चंक्स को पानी निकालकर दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें कॉर्न और सोया चंक्स को मिलाकर भून लेंगे। हमें इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक भूनना है।
अब हम इसमें जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, एक मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। एक चम्मच अमचूर पाउडर, एक चम्मच चाट मसाला ऐड कर लेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। मैंने यहाँ चार मीडियम साइज के आलू उबाल कर लिए हैं, जिनको मैश कर लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम यहाँ 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। ये देखिए मसाला रेडी हो गया है। अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। गैस ऑफ कर देंगे और इस मसाले को हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अब हम आटे को थोड़ी देर और गूंथ लेंगे। अब हम इससे छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। अगर आपको बड़े समोसे बनाने हैं तो आप बड़ी लोइयां तोड़ लीजिए। मैंने मिनी समोसे बनाए हैं तो मैंने थोड़ी छोटी लोइयां ली हैं। अब इनको गोल बनाकर अच्छे से बेल लेंगे। हमें इसको पतला बेलना है। अब हम एक चाकू की सहायता से इसे बीच से कट कर लेंगे। हाफ सर्कल को हम उठाएंगे और इसको हम कॉर्नर से कॉर्नर मिलाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पानी लगाकर भी इसको चिपका सकते हैं। ये देखिए, इसको अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये कोन का रूप ले ले। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। इसको दबाते हुए अब हम इसको बंद कर देंगे। यहाँ हम इसे अच्छे से चिपकाएंगे ताकि हमारा समोसा तलते हुए खुले ना। ये देखिए हमारा समोसा ये भरकर रेडी है। इसी तरह हम सारे अपने समोसे भरकर रेडी कर लेंगे। तो चलिए अब इनको तलते हैं। मैंने पहले ही कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है और ये गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके इसमें समोसे डालेंगे। हमें इतना तेल लेना है कढ़ाई में कि हमारे समोसे जो है वो अच्छे से उसमें डूब जाएं। और जितने कढ़ाई में समोसे आए एक बार में उतने ही डालेंगे। और इनको मीडियम फ्लेम पर हम 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। बीच बीच में हम हिलाते हुए इनको पलट देंगे ताकि दोनों तरफ से समोसे सिककर अच्छे से रेडी हो जाएं। ये देखिए इनका कलर कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इनको तेल निकालते हुए कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे।
इसी तरह हम अपने सारे समोसों को तल लेंगे। ये देखिए समोसे खाने के लिए रेडी हैं। आप इसे मीठी या हरी चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।